अस्सलामु अलैकुम, वेलकम टू एल एस स्टाइल फ्रेंड्स। स्टॉप में हमने दो बो लगाए हुए हैं और ये देखिए ये ओपन है, इसकी जो इनर है वो अलग है, ऊपर से सिर्फ जॉइंट है और बीच से अलग है। ये देखिए बीच में अलग है, ऊपर से 2 इंच सिर्फ जॉइंट है। इसमें हमने पफ स्लीव्स बनाई है जो पहनने के बाद बहुत ही ब्यूटीफुल लगती है फ्रेंड्स। और ये देखिए ये कितना फिनिशिंग के साथ हमने इसको मोड़ा है। इस डिज़ाइन को बनाने के लिए हमें 1 मीटर प्रिंटेड फैब्रिक की और 0.75 मीटर हमें प्लेन फैब्रिक की ज़रूरत पड़ेगी। सबसे पहले हम इनर पार्ट की कटिंग करेंगे, कपड़े को डबल फोल्ड करेंगे, उसके बाद फिर 4 फोल्ड करेंगे। कपड़े की लेंथ जो है वो 20 इंच है और विड्थ हम चेस्ट के हिसाब से लेंगे। शोल्डर के लिए हम 5 इंच पे मार्किंग करेंगे और आर्म होल हमारा 5.5 इंच रहेगा। ये ड्रेस 5 to 6 ईयर की बेबी को आराम से हो जाएगा और 4 ईयर की बेबी भी अगर हेल्दी है तो उसको भी हो जाएगा। वेस्ट के लिए हम 7 इंच पे मार्क करेंगे, हम बहुत ज़्यादा गहराई नहीं देंगे इसको। अब हम शेप ड्रॉ कर लेंगे हल्की सी गुलाई देके। हम इसको ए लाइन में कट करेंगे, इसलिए ए लाइन की तरह निशान लगा लेंगे। अब हम आर्म होल की गुलाई दे देंगे, इसके बाद हम फ्रंट आर्म होल के लिए भी 0.5 इंच अंदर की तरफ गुलाई दे देंगे। नेक की वेट हम 2 इंच लेंगे और फ्रंट नेक की लेंथ हम 3 इंच पे कट करेंगे और बैक नेक के लिए हम विड्थ हमारी 2 इंच ही रहेगी और डेप्थ जो है वो हम 2 इंच रखेंगे। हाफ इंच हम स्लोप डाउन करेंगे, इसके बाद हम अपने सबसे पहले बैक नेक को कट करेंगे। अब इसके अंदर से हम अपने बैक पार्ट को अलग कर लेंगे और फ्रंट पार्ट की इजाफा कटिंग कर लेंगे, ये नेक भी फ्रंट पार्ट का कट कर लेंगे। अब हम अपना प्रिंटेड फैब्रिक लेंगे, यहाँ 2 फोल्ड में हमारा फैब्रिक है। ये हमारा बैक पार्ट है, इसकी लेंथ 26 इंच है और विड्थ जो है वो 14 इंच है। ये हमारा फ्रंट का पार्ट है, इसकी जो विड्थ है वो सेम रहेगी यानी कि 14 इंच और लेंथ जो है वो है 19 इंच। हाई लो ड्रेस में फ्रंट वाला पार्ट बैक वाले पार्ट से 4-5 इंच छोटा ही रहता है। अब हम मार्किंग के लिए सबसे पहले अपना फ्रंट पार्ट बिछाएंगे और इसके ऊपर हम अपना बैक पार्ट रखेंगे। फ्रंट पार्ट हमारा 2 इंच एक्स्ट्रा आगे करके रखेंगे। इसके ऊपर हम अपने इनर वाला पार्ट रख लेंगे और सेम इसी साइज़ में मार्किंग कर लेंगे। 3 इंच तक हम बराबर मार्किंग करेंगे, यहाँ से 3 इंच बराबर मार्किंग रहेगी। इसके बाद हम इंच टेप को यहाँ से रख के और उस कॉर्नर तक रखेंगे और निशान लगा लेंगे। अब हम अपने बैक पार्ट के ही साइज़ का नेक भी निशान लगा। अब अपने इनर के पार्ट को हम हटा लेंगे और अपना जो फ्रंट वाला पार्ट है उसको ऊपर रखेंगे, बैक पार्ट को नीचे रखेंगे ऐसे। अब फ्रंट पार्ट जहाँ इंड हो रहा है उस कॉर्नर से लेके हम बैक पार्ट की गोलाई तक मार्क कर लेंगे। इसके बाद हम फ्रंट पार्ट के 4 इंच पे निशान लगाएंगे और 4 इंच से होते हुए उस कॉर्नर तक हम इसे ले जाके मिला देंगे।
अब हम कटिंग कर लेंगे, बैक वाले पार्ट को कट करेंगे और इसके बाद फ्रंट पार्ट की कटिंग कर लेंगे। फ्रंट पार्ट को हम बीच से कट कर लेंगे, हमें फ्रंट ओपन बनाना है इसलिए। ध्यान रहे अभी हमने फ्रंट पार्ट में जो है आर्म होल की कटिंग नहीं की है। अब हम अपने फ्रंट वाला पार्ट लेंगे दोनों पीस, और इसके बाद हम अपने इनर पार्ट को रखेंगे और आर्म होल कट कर लेंगे सेम इसी साइज का। साइड की भी हल्की सी कटिंग कर लेंगे। अब हम अपने बैक पार्ट में 3 इंच पे निशान लगाएंगे और हुक के लिए इसे बीच में कट करके ओपन कर देंगे। सेम यही निशान हम अपने इनर पार्ट पे लगाएंगे 3 इंच का और इसको भी कट कर। अब हम अपने स्लीव्स की कटिंग करेंगे। स्लीव्स के लिए हम चौकोर पीस लेंगे जो 12 इंच लंबा और 12 इंच चौड़ा हो। अब हम इसे ट्रायंगल शेप में फोल्ड करेंगे और उसके बाद फिर से एक बार फोल्ड करेंगे ऐसे, क्योंकि यहाँ हम पफ स्लीव्स बना रहे हैं। हल्का सा कर लेंगे। इसके बाद हम 7 इंच पे मार्क करेंगे। मार्क करने के बाद हम इसमें हल्की सी गोलाई देंगे। ये हमारा उरेब होता है, ये अपने आप ही गोल बैठता। अब हम मार्क करने के बाद इसे कट कर लेंगे ऐसे, हल्का हल्का घुमाते हुए इसको हम कट कर लेंगे। अब इसे हम बीच से अलग कर लेंगे। इसमें हमारी दोनों स्लीव्स हैं, बीच में हम नॉचेज लगा लेंगे आर्म होल के पास, जिसे हमें बैठाने में इजी हो जाएगा। यहाँ पे हमारी कटिंग कंप्लीट हो चुकी है। अब हम आपको एक बार टेम्प्रोरी दिखा देते हैं कि ये बनने के बाद कैसा लगेगा। ऐसे हम प्लीट्स डालेंगे छोटे छोटे, और उसके बाद ये देखिए फ्रेंड्स, ये बनने के बाद ऐसा नज़र आएगा। 2 इंच चौड़ी पट्टी लेंगे, जितना हमारा फ्रंट पार्ट है ये उतना ही लंबा रहेगा, और इसको अटैच करेंगे। ये देखिए ऐसे अटैच करना है आपको। इसे पलट कर और ऐसे ही सिलाई लगा लेंगे। इस तरीके से करने से ये बहुत फिनिशिंग के साथ बैठ जाता है। अब मेरे पास ये चिकन की लेस पड़ी हुई थी, इसको हम फ्रंट पार्ट में आगे की तरफ लगाएंगे। यहाँ से ऐसे सिलाई चला लेंगे। इसके बाद इसको भी हम पलट के इसके ऊपर एक प्रेस स्टिच लगाएंगे। फ्रेंड्स, अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लग रही हो, वीडियोज़ बनाने में हमारी बहुत ही मेहनत होती है फ्रेंड्स, इसलिए अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें और हो सके तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। अब हम अपने फ्रंट पार्ट में प्लेट्स डालेंगे ऐसे ही, गहरी और छोटी प्लेट डाल के। जितना हमारा शोल्डर का चौड़ाई है, मतलब कि हमारे इनर पार्ट के शोल्डर की जितनी चौड़ाई है उतना ही चौड़ा हमें ये बनाना है। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा बताया हुआ कुछ समझ में नहीं आता है तो आप प्यारे लफ्ज़ों में मुझे कमेंट में बताएं। आपका जो भी क्वेरी है, आप जो भी सजेशन मुझे देना चाहते हैं, प्यारे अल्फाज में बताएं फ्रेंड्स, मैं ज़रूर अपनी वीडियोज़ में उसके लिए सुधार लाऊंगी। अब हम इनर पार्ट के लिए पेपर पेस्टिंग पे कटिंग करेंगे। अपना इनर पार्ट रख के हम पेपर पेस्टिंग के ऊपर कट कर लेंगे। इसको हम फैब्रिक पे पेस्ट कर लेंगे। कपड़े पे नॉचेज लगा के हम प्रेस स्टिच लगा लेंगे। ऐसे ही हम बैक पार्ट को रखेंगे और सिलाई कर लेंगे, इस पर भी प्रेस स्टिच लगा देंगे। हमने यहाँ पे उरेब पट्टी ली है
और हम हमारा जो बैक पार्ट है उसका नीचे का जो घेर है वो हम फोल्ड करेंगे, पट्टी रख के इसको उल्टा कर लेंगे और इसके बाद इस पर सिलाई लगा लेंगे। इससे बहुत ही फिनिशिंग के साथ हमारी नीचे की जो घेर है वो दिखाई देती है, बिल्कुल भी सिकुड़ती नहीं है। फ्रेंड्स आप ऐसे ट्राई, फ्रेंड्स लाइक सब्सक्राइब और कमेंट भी लाजमी किया करें, आपका कमेंट हमारी हौसला अफजाई करता है। फ्रेंड्स यहाँ पे हम शोल्डर्स को अटैच कर लेंगे, ये देखिए हमारा ये उतना ही है प्लेट्स हमारी जितनी हमारी शोल्डर है, ऐसे ही दोनों शोल्डर्स को अटैच कर लेंगे। इसके बाद हम आर्म होल को भी इनर और फ्रंट दोनों पार्ट को अटैच कर लेंगे। यहाँ से हम 3 इंच तक सिलाई लगाएंगे एक साथ में, बैक पार्ट में भी हम दोनों को अटैच करते हुए 3 इंच तक सिलाई लगाएंगे। इसके बाद हम कंधी ज्वाइंट करेंगे दोनों की, आप चाहें तो अंडरग्राउंड भी कर सकते हैं। फ्रेंड्स अब हम 0.8 इंच चौड़ी फैब्रिक पट्टी लेंगे और इसको हम अपने गले के बिल्कुल बीचों बीच रखेंगे और सिलाई चला लेंगे, और इससे 1 इंच छोटे साइज की पट्टी हम इसके राइट और लेफ्ट साइड में लगा लेंगे। ऐसे ही आपको उधर की साइड में भी एक लगा लें। अब हम इनर पार्ट के नीचे में भी फोल्ड कर लेंगे और इसके ऊपर मेरे पास ये लेस पड़ी हुई थी, मैं इसको लगा लूँगी। अब हम अपने पफ स्लीव्स के लिए छोटी छोटी चुन्नटें बनाएंगे स्लीव्स के ऊपर, ऐसे छोटी छोटी प्लेट्स डालनी हैं, आप चाहें तो धागा खींच के भी कर सकते हैं। पहले हम नीचे की तरफ बनाएंगे और उसके बाद हम ये ऊपर की तरफ जहाँ हमारा मोटा रहता है वहाँ बनाएंगे छोटी छोटी प्लेट्स। ये प्लेट्स हमें उतनी ही बनानी है जितना कि हमारा आर्म होल होगा। इसको हम बैठा के देख लेंगे कि हमारे आर्म होल में पूरा बैठ रहा है कि नहीं। नीचे पट्टी लगाएंगे और इसको पलट देंगे, पलट के उसके ऊपर सिलाई लगा लेंगे। बनने के बाद फ्रेंड्स ये कुछ इस तरीके का नज़र आएगा। अब हम अपने स्लीव्स को जॉइंट कर लेंगे अपने आर्म होल के साथ। जॉइंट होने के बाद ये कुछ इस तरीके का दिखाई देगा। इसके बाद हम फिटिंग की सिलाई लगाएंगे स्लीव से होते हुए, हम 3 इंच तक चारों कपड़ों को एक साथ प्रिंटेड वाले फैब्रिक के बाद अंदर की तरफ खिसकाएंगे और सिर्फ ये जो हमारा प्लेन फैब्रिक है वाइट वाला इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे। फिर इसको पलट कर हम सिर्फ अपने प्रिंटेड फैब्रिक के ऊपर इस तरीके से सिलाई चला लेंगे जो हमारा ओपन पार्ट था। यहाँ पर हमारी स्टिचिंग कंप्लीट हो गई है। प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट्स फ्रेंड्स।